तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। थोड़ा सा मतलब लैग करती है, मतलब लेते हैं आप जैसे एक्सीलेटर थ्रोटर लेते हैं वैसे भागती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। हेलो एवरीवन, तो स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो आज हमारे पास है KTM ड्यूक 125। तो आज मैं इसका बात करूंगा कि पांच ऐसे रीजन जो ये बाइक को लेने से पहले आपको ज़रूर देखना चाहिए, पांच इसमें जो प्रॉब्लम है मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं बाइक को कितना अच्छी बाइक है। तो सारे बाइक में कुछ अच्छाई है कुछ बुराइयाँ होती है, तो इस बाइक का मैं आपको बताने वाला कि इसको आप लेना चाहते हैं तो क्या क्या आपको प्रॉब्लम का फेस करना होगा। सबसे पहले जिसका जो दिक्कत मुझे महसूस हो रही है बाइक में, इसमें जो आपको पिकअप मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा कम मिलता है आपको, मतलब इनिशियल पंच बहुत ज़्यादा कम है। आप थ्रोटल लेते हैं लेकिन उतना भागती नहीं है, 5000-6000 जैसे क्रॉस करती है उसके बाद मतलब सही से भागती है, तो ट्रैफिक में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होगा। मैं आपको अभी थोड़ा चला के भी दिखाऊँगा, तो ये दिक्कत इसमें आती है काफ़ी ज़्यादा, इसमें ये दिक्कत फेस करना पड़ रहा लोगों को और मुझे पर्सनली ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था। तो सबसे पहले दिक्कत ये है। दूसरा दिक्कत की अगर बात करें तो दूसरा इसमें मिलता है जो इसका प्राइस, मान लें प्राइस इसका आपको 2,05,000 रुपया लगता है 125cc का बाइक में, तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है। इस प्राइस में आपको 2cc की बाइक भी आ जाती है, अगर आप बजाज का बाइक लेते हैं कोई भी लेते हैं तो आपको 2cc की बाइक आ जाती है, तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, ओवर प्राइस है। तो ये दिक्कत मतलब लोगों को, आप बजट आपका ऊपर है लेकिन मुझे लगता है कि अगर 2,00,000 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं तो फिर ये बाइक क्यों लेंगे भाई। ये बाइक लेने से अच्छा है मुझे 200cc का कोई NS 160 200 ले लेंगे। ये दूसरा रीजन। तीसरा रीजन की बात करें तो ये देखिए मीटर, KTM का शुरू से मीटर में स्पीडोमीटर में कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया। ये मीटर को थोड़ा तो अपडेट कर दो, इतना पैसा बढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा अपडेट हो जाना चाहिए कुछ, मतलब जैसा अभी देख रहे हैं आप राइडर में स्प्लेंडर में इसका स्पीडोमीटर तो कितना अच्छा लगता है, तो ये स्पीडोमीटर मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। सारे KTM के बाइक में ये स्पीडोमीटर है, फिर 390 को छोड़ा के, तो ये वाला दिक्कत है। बाकी बात ऐसा कोई दिक्कत नहीं है लेकिन स्पीडोमीटर में थोड़ा अपग्रेडेशन का ज़रूरत है। और तीसरा की बात करें तो आपको लाइट मैं आपको जला के दिखा देता हूँ। देखिए हैलोजन लाइट है, आजकल के ज़माने में हैलोजन लाइट मिल रहा है, इसमें इतना प्राइस इतना पैसा देने के बाद भी हैलोजन लाइट मिल रहा है। अभी के टाइम में कौन सा गाड़ी हैलोजन लाइट देती है, स्प्लेंडर दे रही है, स्प्लेंडर भी देती है आपको LED लाइट। तो मुझे LED लाइट, लोगों को LED लाइट मिलना चाहिए, इतना ज़्यादा पैसा दे रहे हैं तो LED लाइट तो मिलना ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। LED लाइट मिल जाता तो काफ़ी ज़्यादा रात में भी चलाने में मज़ा आता। तो तीसरा दिक्कत ये है, अब मैं इसको ड्राइव करके बताता हूँ क्या क्या इसमें दिक्कत आ रही है और कैसा चलाने में लग रहा है। तो गाइस अब ड्राइव करते हुए बात करते हैं। 4 नंबर में इसलिए बंद हो जा रही है, 1 नंबर लग गया। तो चलाने में मज़ा तो आती है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है चलाने में, ऐसा बात नहीं है कि मज़ा नहीं आती है। तो चलाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आती है, लेकिन मैं आपको एक बार पुल पे मैं आपको पंच करके दिखाऊंगा और इसका इनिशियल पिकअप लेके दिखाऊंगा कितना ज़्यादा भागती है। ब्रेकिंग भी देखते हैं, ब्रेकिंग ठीक है कोई दिक्कत नहीं है ब्रेकिंग में, तो देखते हैं अब थोड़ा सा पंच लेते हैं इसमें। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मतलब टाइम लग जा रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जा रहा है। थोड़ा सा मतलब लैग करती है, मतलब लेते हैं आप जैसे एक्सीलेटर थ्रोटल लेते हैं वैसे भागती नहीं है, थोड़ा सा टाइम लग जा रहा है। तो वही इसका मतलब प्रॉब्लम यही है कि पंच इनिशियल में आपको नहीं मिलता, थोड़ा सा लैग करती है। ब्रेकिंग तो काफ़ी अच्छा है, एक बार फिर से हम लोग ब्रेकिंग टेस्ट करेंगे थोड़ा स्पीड में। ब्रेकिंग काफ़ी अच्छा है, ब्रेकिंग कोई दिक्कत नहीं है, ब्रेक मतलब 50-60 के स्पीड में ब्रेक किया तो तुरंत लग गया, ब्रेकिंग अच्छा है। इनिशियल पिकअप कम लगती है मुझे और क्या बोले, ओवर प्राइस है बाइक, 2,05,000 जो रुपये लग रहा है ऑन रोड
तो ओवर प्राइस मुझे लगती है, इतनी प्राइस नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा कम होना चाहिए। बाकी बात, अगर आप 5-6 हज़ार RPM की करते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा बस इनिशियल RPM में दिक्कत है। और सर्विस वगैरह कॉस्ट अगर आप लेते हैं तो 3,000 तक सर्विस आ जाता है, तो सर्विस ठीक है। दो लगा जैसे कि ज़्यादा मेजर, एक इनिशियल पिकअप कम है और दूसरा जो मैंने बताया ओवर प्राइस बाइक है। इतना मैं आपको, अगर आपको KTM से प्यार नहीं है तो आपको भी अदर CC की, अदर कंपनी के 200 CC की बाइक भी ले सकते हैं। और इम्प्रूवमेंट की अगर बात किया जाए तो ये थोड़ा सा अपग्रेड हो जाएगा नेक्स्ट बार में, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो इसका हेडलाइट मिलता है वो आपको हेलोजन का जगह LED हेडलाइट मिल जाएगा, तो मज़ा आ जाएगा। बस ये सब चीज़ हो जाएगा तो ये भी बाइक काफ़ी ज़्यादा पैसा के हिसाब से वैल्यू फॉर मनी हो जाएगी, लेकिन अभी वैल्यू फॉर मनी मुझे नहीं लगती है। तो वीडियो को ही खत्म करते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल।